तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद के 7 फोटोज़ रेडी करके रख देने हैं। 7 फोटोज़ रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है सिक्योर VPN, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है कैपकट एप्लीकेशन। तो इंडिया से अगर आप इसे डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो जो एप्लीकेशन मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो ये वाला एप्लीकेशन आपको इंडिया से अगर डाउनलोड करना है तो गूगल पर जाकर सर्च करके इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर इसके डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहले तो सिक्योर VPN के एप्लीकेशन इसे ओपन करना है। उससे पहले आपको आपका मोबाइल डेटा से या वाईफाई से जो भी आपका इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा उससे कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को सिक्योर VPN वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आप देख सकते हो एक कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये VPN नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर सिर्फ मिनिमाइज़ करना है। ये हो जाने के बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन था कैपकट एप्लीकेशन, इसे आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। स्टार्ट में आपको बीच में एक न्यू प्रोजेक्ट का प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर अभी सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड करना है। तो टेम्पलेट में आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वाला जो टेम्पलेट है इसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये वाला टेम्पलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है और यहाँ पर आके इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर आपको फोटो का ऑप्शन दिखेगा, फोटो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 7 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से फोटोज़ के ऊपर आपको एक सर्कल दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करते जाना है और यहाँ पर फोटोज़ जो है आपकी वो सिलेक्ट होते चले जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोटोज़ है वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो 7 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ऐड एट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशियो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक देख सकते हो यहाँ पर म्यूट क्लिप ऑडियो का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको एक बैकवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी इतना हो जाने के बाद ये जो फर्स्ट आपने यहाँ पर टेम्पलेट ऐड किया है इसे आपको इग्नोर करना है। इसके बाद हर एक फ़ोटो के बार को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखेगा। तो इस फोटो का ऐसे जूम करके सारे फोटोज़ को आपको यहाँ पर ये 9:16 का जो फ्रेम रेशो है इसमें एडजस्ट करके ले लेना है। सिर्फ आपको यहाँ पर जूम करते जाना है, आपके हिसाब से आप जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पर जूम कर सकते हो, जितना चाहिए उतना जूम यहाँ पर कर सकते हो। तो सारे फोटोज़ यहाँ पर जूम करके ले लेने हैं। लास्ट में आप देख सकते हो एक एंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करके नीचे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है, जो फर्स्ट वीडियो वाला टेम्पलेट है इग्नोर करना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट फोटो रहेगा तो फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर 3.0 ऐसे दिखाएगा, मतलब यहाँ पर इसका 3 सेकेंड का यहाँ पर इसका टाइमर है। तो आपको इसे कम करना है, 1.4 कर देना है। तो हर एक फ़ोटो का आपको 1.4 ही कर देना है। ये फर्स्ट फोटो का हो गया, तो सेकेंड फ़ोटो को भी बार को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको इसे 1.4 इतना कर देना है। ऐसे आपको सारे फ़ोटोज़ को सेम ही 1.4 इतना ही कर देना है। सिर्फ लास्ट वाले फ़ोटो को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पर मैं 1.4 कर दूंगा, तो ये लास्ट वाला फ़ोटो इसे आपको कुछ करना नहीं, इसे ऐसे ही रख देना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऐड ऑडियो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। साउंड वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको एक फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, ये बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने एक प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपको चले आना है, जैसे जो एक लास्ट आपका फ़ोटो था, तो लास्ट फोटो के लिए आपको करना है कि आपको ऑडियो का बार देखना है जिस पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो उस पॉइंट पर आपको इस व्हाइट वर्टिकल लाइन को लेकर जाना है और लास्ट वाले फ़ोटो को आपको उस पॉइंट तक इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फोटो रहेगा टेम्पलेट के बाद वाला, तो उसके बार को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपको एक कॉम्बो का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ इंटरनेट का एरर ऐसे कुछ शो हो रहा होगा
तो आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पर मिनिमाइज़ करके क्लोज कर देना है। फिर से आपको VPN वाले एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर उसे डिसकनेक्ट करके एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है। फिर से एप्लीकेशन को ओपन करके कनेक्ट कर लेना है और फिर बाद में इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। नेटवर्क का इशू यहाँ पर आ जाता है, कॉमन सी बात है, लेकिन अभी तो यहाँ पर नहीं आया है। तो अभी आपको एनिमेशन पे जाना है, यहाँ पर कॉम्बो वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर अभी आपको एक पेंडुलम 1 का ऑप्शन दिखेगा, तो फर्स्ट फोटो को पेंडुलम 1 सिलेक्ट करना है। फिर सेकेंड फोटो पे जाना है, इसे आपको पेंडुलम 2 सिलेक्ट करना है। फिर थर्ड वाले को पेंडुलम 1, उसके बाद वाले को पेंडुलम 2, ऐसे आपको 1 और 2 सिलेक्ट करते जाना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लास्ट वाले को फिर से आपको पेंडुलम 1 आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो ये परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ एक जो ट्रेंडिंग रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक अपवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका बनाया हुआ वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। यह 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन आ जाएगा, उस डन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको मिनिमाइज़ करके क्लोज कर देना है। जो सिक्योर VPN का एप्लीकेशन है इसे आपको ओपन करना है। नीचे आपको एक कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। डिसकनेक्ट हो जाने के बाद इस वाले एप्लीकेशन को भी आपको बंद करना है। इसके बाद अगर आप मोबाइल की गैलरी ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो है वो रेडी हो चुका रहेगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।